इतनी चली चुईया लगी मर बेटी ने चुई लगा वे चलिए हाँ बेटो हाँ पालो पालो बेटो मम्मा लो लाजा बेटो मम्मा ली चोना बेटी जल्दी जल्दी ठीक हो हम घर चलेंगे जब कोई वेट कर ले ब्लेच यू मेरे सोनपुरी ये देखो कितने सारे कैंडुलर लगे हैं पूरे हाथों में स्वेलिंग आ गई थी पता है जिसमें ऐसे ना कलीजे में तीर जैसे लगती है जब बच्चों के कैंडुलर लगता है ना और फिर वो कैंडुलर उसका आउट हो जाता है पूरे हाथ ये कलिए राउंड आउट हो गए थे बड़ी भाभी भी डर गई थी बीच वाली भाभी भी डर गई थी फिर डॉक्टर ने यहाँ पे पैरों में लगा रखा है जल्दी जल्दी ठीक होएंगे हम आप सब खूब सारे ब्लेसिंग देना मेरी प्रिंसेस जल्दी से ठीक हो जाए और हम मम्मा बेटू घर जाएं फिर बहुत सारी मस्ती करनी है भैया वेट कर ले सब कोई वेट कर ले हम तो घर जाएंगे हम मम्मी को भी घर जाना है बेटू को भी घर जाना है चोनू 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 चल फिर घर चल जावा तो हाँ के घर चल जावा कहीं के घोड़े बैठ के सोता है फिर तो सुई जीते तो घोड़ा बैठे सुई कटिंग में करानी है बाल गलमा तेल तो यहाँ पे भाई बहन दोनों सो गए हैं कितना सुकून मिल रहा है उसको देखो इसकी हालत हेमुड़ी तू जगा हुआ है ना उठ 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 नौटंकी है ना इसको जैसे ही लगा कि माँ सोएगी पास में आके यहाँ पे मेरी बेटी के ग्लूकोज चढ़ रहा है स्टील ठीक है बहुत सारी ट्रीटमेंट चल रही है बहुत सारी ठीक है जल्दी से फाइटर बहन है ना बहुत हिम्मत वाली है मेरा बच्चा बहुत हिम्मत वाला है ना बच्ची इतने हाँ इतने छोटी सी उम्र में बहुत कुछ फेस कर लिया बहुत कुछ आपको बताऊं इसके ना पैरों में अब रंदे हाँ रंदे रंदे अपन छिड़का नहीं करेंगे हाँ इसके पापा को देखो रात को उनको नींद नहीं घर पे भी जाते हैं तो भी चैन नहीं यहाँ रहते हैं तो भी चैन नहीं मतलब सारे ऐसे हो गए हैं हम और हमारे साथ यहाँ पे आज अम्मा है अम्मा भी वॉशरूम गई हुई है ये कंडीशन हो रही है हमारी बट ठीक है कोई नहीं मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है फाइटर गर्ल है कोई बात नहीं है भगवान सब सही करेंगे हो सकता था बहुत बड़ा कुछ होने वाला था बाबा भगवान ने छोटे से में कट कर दिया इसीलिए मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है और मेरे शिव जी का कान्हा जी का उन सबका आशीर्वाद है तो सब ठीक होगा ही मतलब होना पड़ेगा है ना क्योंकि हम कलयुग में रहते हैं और हमारे लिए सबसे बड़े कौन है हमारे भगवान हैं तो वो जब तक साथ है ना तब तक कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है किसी का कुछ बिगड़ ही नहीं सकता है बिगाड़ नहीं सकता किसी का कुछ बिगड़ ही नहीं सकता है तो बस सारी चीज़ें हो गई क्योंकि जिस दिन इसको यहाँ पर लेके आए थे ना उस दिन इसको 101 डिग्री बुखार आ गया सब इतने ज़्यादा टेंस हो गए थे था बहुत चीज़ें बहुत क्रिटिकल कंडीशन में भी गए थे एट डेज हो गए अभी भी और लग जाएंगे 4-5 डेज हमको और
बट कोई ना। और आप देख रहे हो पिछले 5 दिन से मैं एक ही ड्रेस में हूँ। फाइनली आज मैंने मेरी ड्रेस दूसरी मंगाई है जो मैं कल पहनूंगी, क्योंकि नहाना वाना मेरा है नहीं। और बस जैसे जो भी चल रहा है, तो यहाँ पे ये लोग हैं। अम्मा के भी देखो, ना नींद है ना कुछ और है ना। अम्मा जेठू जी, अम्मा उठाया थोड़ी सी गिला, इधर देखो क्या हुआ, इतना टेंशन काहे को करते हो, सब अच्छा होगा। सर दर्द हो रहा है, असली बात तो ये है। सर दर्द भी हो रहा है, सर दर्द नींद नहीं हुई ना तो सर दर्द भी होगा, सारी चीजें होंगी। स्माइल प्लीज, सब अच्छा होगा, सब अच्छा होना पड़ेगा, है ना। और आपको मैं टाइम बता दूं कितना हो रहा है। राजा फोन देना अपना, मेरा वाला उधर पड़ा है। मेरे जी बताना एक बार, मेरे वहां पे से टाइम बताना एक बार प्लीज। 12:30 रात के 12:30 बजे हैं अभी तक। इसकी ये इतनी मात्रा में जो ग्लूकोज है वो कंप्लीट होगी, उसके बाद ही ये खुलेगा, उसके बाद ही हम सोएंगे क्या, फिर उसके वापस दूध का टाइम हो जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे इतु सा पीते हैं। ये वैसे भी ये बहुत ज़्यादा वीक है, तो ये दूध ले ही नहीं पा रही है, तो हर 2-2 घंटे में थोड़ा थोड़ा डॉक्टर ने बोला है। यहाँ पे प्रॉपरली केयर बहुत अच्छे से हो रही है, तो रिकवरी पर खूब सारा प्रे करना, खूब सारा कि जल्दी से रिकवरी होके मेरी लाडो और हम सब अच्छे से घर जाए, बस हंसी खुशी हमारे दिन वापस आए, है ना। क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, ये पेट में थी तब भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किए हम सब ने, और अभी ये कर रही है। मतलब इससे अच्छा होता कि ये पेट में थी तो मैं कैंडोला कितने भी खा लूँ मुझे मंजूर है, बट भगवान के घर तो कुछ और ही है। बट कोई ना, मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है और आप सबकी बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। बहुत जल्दी मैं और मेरी बेटी जाएंगे घर, हेमन भी, हेमन के पापा भी, अम्मा भी, क्योंकि सब परेशान है पूरी फैमिली, बड़े वाले जेठ जी हों, जेठानी जी हों, खाना उनके घर से आता है, तो बहुत सारी चीज़ें मैं शूट नहीं ले रही हूँ क्योंकि मेरा अभी माइंड काम नहीं कर रहा है। कभी मूड हो गया तो कोई चीज़ ले ली, नहीं हुआ तो कुछ नहीं लिया, उस हिसाब से चलता है। तीनों टाइम का मेरा खाना होता है क्योंकि मुझे बाहर का इतू सा भी मैं नहीं खाऊँगी अभी, एकदम स्ट्रिक्टली मना है। आप सबको पता है कि जापे के 40 डेज कुछ नहीं खाते हैं, और वैसे भी मेरा सेक्शन से हुआ है तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। तो मेरे जेठ जी दिन में 5-6 बार अप डाउन करते हैं, सारी चीज़ें आती हैं, जेठानी जी आती हैं, बीच वाले जेठानी जी आती हैं, जेठ जी आती हैं, सब कुछ आते हैं। बट ठीक है, शूट वूट नहीं रहती हैं, थोड़ी चीज़ें आप लोगों के साथ बोल के बस जो अपडेट देना होगा वो मैं दे देती हूँ। और ये भी है कि सारी चीज़ें जब जो मन कर रहा है वो सारी शूट कर कर रखती हूँ, जिस दिन मेरी बेटी घर जाएगी उसके बाद मैं सारी चीज़ें अपलोड करूँगी, ताकि मैं भी खुशी खुशी सारी चीज़ें बता पाऊँ। और ये जो जितने भी पल जा रहे हैं ना, ये सब मेमोरी कैप्चर करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें कैच करती हूँ। जब ये बड़ी होगी ना तो उसको पता रहना चाहिए कि यार इसने कितना कुछ फेस किया था, हम सब ने कितना कुछ फेस किया था। तो बस, तो आप लोग को बहुत सारी ब्लेसिंग देना और आगे बहुत अच्छी अच्छी जल्दी जल्दी मेरी बेटी की रिकवरी हो। बस है, वो कहते हैं ना कि बेटी हमेशा बाप की लाडली होती है, तो ये ना बिल्कुल सच है। जेठू जी के तो हेमंत भी लाडला और उससे भी ज़्यादा अब ये प्यारी सी लाडो रानी हो गई है, और इतने ज़्यादा खुश है ना ये जेठू जी, इतने ज़्यादा ये दिन में 20 बार मुझे थैंक यू बोलते हैं और भगवान जी को कि भगवान जी थैंक यू सो मच कि आपने इतनी प्यारी सी नन्नी सी हमको बेटी दी है। और सच में भगवान का जितना शुक्र अदा करूँ उतना कम है। बनकर थालो छायो थाम लो, पापा बेटी की बातें चल रही है। प्यार कर रही है, देखो, ओहो ओहो, दिन भर तो मम्मा रखे और पापा बेटू की अलग ही बातें। थाली थाले में ना, तू बता कहीं है जिंदगी माली यहाँ पे जेठू जी गुड़िया को उठा रहे हैं क्योंकि डॉक्टर ने बोला है कि इसको टाइम टू टाइम दूध देना, मेडिसिन देना, पर नींद से उठा के देना है तो मुझसे हो नहीं रहा था। तो यहाँ पे जेठू जी बोले दे मुझे दे, मैं उठाता हूँ उसको। बेना देख तो कितने सारे कंट्रोल लग गए, जल्दी से ठीक हो जा प्लीज प्लीज। अरे देखो अभी देखो कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो फिर जल्दी से ठीक हो जा। जल्दी से ठीक हो जा। हाँ बेटा, जल्दी से ठीक होगी ये बिना, अपन घर लेके जाएंगे बिना को। फिर मिल मेरे को किस कर लूंगा।
फिर भी ना को बहुत चला प्यार करेंगे तो फिर है ना, फिर तो मेरे साथ ही सोएगी, माँ पापा के साथ नहीं सोएगी तो। हाँ माँ पापा के साथ नहीं तो रख लेना इसको बस। इसने जो मैं मोली बांधी ना नामकरण वाली, मेरे चुभ रही थी मैंने इस पॉकेट में डाल के रखी थी। फुलके, आपने इसका नाम फुलके रख दिया क्या? पापा की फुलकी, माँ की मन्नत, भाई की बेनाम, सबका अलग 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 नाम है इसका। फुलकी है चिड़ियो है चिड़ियो, पता है मैं इसको क्या बुलाती हूँ? उसको चिड़िया बुलाती हूँ, चिड़िया मेरी छोटी सी नन्नी सी चिड़िया। ओ फुलकी, तो यहाँ पे मेरी बेटी को सुला दिया है कुछ देर के लिए, और उसके पापा ना पूरी रात नहीं सोए, पूरी रात बताया आपको, क्योंकि हर एक एक दिन कटे हुए उठना होता है, तो ये उठ रहे हैं, कभी मैं उठ रही हूँ, कभी इसको दूध देना है, कभी कोई आ रहा है, तो कुछ देर फिर ये यहाँ आके सोए, तब मैं वहाँ जाके सोती एक डेढ़ घंटा, क्योंकि मेरे भी पेट में ना हद से ज़्यादा पेन होने लग गया, क्योंकि सी सेक्शन से हुआ है तो इतनी देर बैठना भी अलाउ नहीं है, और बच्चे को फीड कराने के लिए बैठना भी पड़ता है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल से दूध पीती है, दूध नहीं पीती है, इतना ज़्यादा परेशान हो गई ना, और मेरी आँखों में आपको दिख रहा होगा बुरी तरीके से नींद है, मतलब फ़ोन कहीं, सारी चीज़ें कहीं, मैं कहीं, लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई ना। तो अब खाना खाऊंगे, जेठानी जी के घर से खाना आ जाता है, अब जेठू जी को मैंने बोला आज आप घर चले जाओ, आज नाइट आप घर पर रहो और मैं यहाँ रह लूँगी, क्योंकि अगर ये नहीं सोए तो इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी, देखो कैसे सो रहे हैं, और इतनी ज़्यादा गर्मी आई है ना, इतनी ज़्यादा, और मेरे तो देखो पूरे होठ फट रहे हैं, पता नहीं क्या है, और इतना ज़्यादा मेरा हेडेक हो रहा है ना, हेडेक और लेग में पेन, तो कुछ प्राण निकल रहे हैं। तो अम्मा आ रही है, तो अम्मा रुकेगी यहाँ पे, और जेठू जी जाएगी घर, मेरी बेटी सो रही है यहाँ पे। ये देखो मैं इसको ना ऐसे ही ढक के रखती हूँ, पतला सा कपड़ा है जैसे इसका मुंह ढक के रखती हूँ बाकी कंबल से, कि सीधी हवा लगने से बच्चे को प्रॉब्लम होती है, तो इस वजह से, और थोड़ी रिकवरी पे है मेरी बेटी, 6 दिन हो चुके हैं और अभी और लग जाएंगे 3-4 दिन, तो देखते हैं घर कब जाना होगा। आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग देना यार, खूब सारी है ना, बहुत सारा प्यार देना, खूब सारी भर भर के ब्लेसिंग देना, और मेरी शक्ल अब होता है, मैं मेरी शक्ल जब भी ये फ़ोन उठाती हूँ ना तो शूट करने के लिए तभी देख रही हूँ, नहीं तो मैं मेरी शक्ल देखना भी भूल गई, आदत हो गई। कुछ नहीं सो जाओ, देखो ऐसे नींद से उठ रहे हैं, चौंक चौंक के जैसे तूने बुलाया है, कुछ देना है, कुछ करना है, तो ये आदत हो जाती है। चुन्ना बाबू जल्दी से टिको कि अपन को घर जाना है, यही नहीं का पाला पाला बच्चा मिला, मेरे पाला पाला बच्चा कब ठीक होएगा? इसे आप सबको बता दूं कि आज है day 8 और काफ़ी रिकवरी पे है हमारी जान, डॉक्टर ने बोला है अभी और 4-5 days लगेंगे, तो हमको और 4-5 days रहना पड़ेगा यहाँ पे मेरी जानूरी के पास, क्योंकि उसको इतनी ज़्यादा कैंडूला लगे ना, ये देखो ये पैर वाला ना कैंडूला आउट हो गया, कभी हैंड वाला आउट हो जाता है, कभी कहीं का छोटा बच्चा, तो इंजेक्शन भी बहुत सारे लगे हैं, बहुत सारे लगे हैं, बहुत सारे इंजेक्शन कैंडूले, इतनी सारी छुइयाँ लगी हैं मेरी नन्ही सी जान को, बट ठीक है, बस ब्लेसिंग्स देना, जल्दी से मेरा बेटा ठीक होके घर आ जाए, हम लोग खूब सारी मस्ती करेंगे, खूब सारी पार्टी करेंगे। और आप सब पूछ रहे हो ना कि इसको हुआ क्या है, इसको इन्फेक्शन हो गया है ना, तो इन्फेक्शन होने में कुछ है, डॉक्टर ने कुछ बताया था, वो उस टाइप का इन्फेक्शन है जो एटलीस्ट 10 से 14 days लगते हैं उसको रिकवरी होने पर, तो आज 8 days हो गई है, अभी 4-5 days 6 days में ये एकदम परफेक्ट हो जाएगी, फिर हम दोनों जन जाएंगे घर, फिर घूमने भी जल्दी से, हाँ फिर घूमने भी जाएंगे मम्मा बेटू के चक घूमने भी जाएंगे हम सब, मैं हेमू पापा और हमारी प्यारी सी बाबी, है ना, चलो ठीक है। यहाँ पे पूरी रात अम्मा मेरे साथ जग रही है, मतलब मैं कुछ देर के लिए फिर भी फ्री हो जाती हूँ कि अम्मा साथ में है, पूरा ध्यान रखना, सब कुछ करना, और ये रही मैं, आज है हमारा डे 9 में, बहुत ज़्यादा हार्ड है,
क्योंकि इसके ना बहुत सारी टेस्टिंग्स हो ही रही है बट फिर भी ये रिकवरी पे है। अब इसकी छोटी वाली बुआ भी आ रही है, इसके छोटे वाले बड़े पापा, छोटी वाली बड़ी माँ, सब कोई आ रहे हैं, सबके मन उड़ गए क्योंकि आज 9 दिन हो गए इसको हॉस्पिटल में रहे हुए। हम उन सबको बहुत रोक दिया था, रुक जाओ हो सकता है जल्दी ठीक होंगे, बट अब जब रिपोर्ट में आया है कि अभी और 4-5 दिन और लगेंगे क्योंकि इसको जो इन्फेक्शन है वो 10-14 डेज के भीतर ही ठीक होगा, वो सारे एंटीबायोटिक्स लगते हैं, सारी चीज़ें होती हैं। तो इस वजह से तो अब वो बुआ और वो लोग माने नहीं, बोले नहीं हम आएंगे। कहने लोग के बाद जब, और आज मैंने 5 दिन बाद ड्रेस चेंज की है फाइनली, सारी होश होश कहीं गए, मतलब मेरी शक्ल देखने लायक नहीं है क्योंकि जिस रूम में मैं हूँ पिछले 5 दिन से इसी रूम में हूँ, रूम से बाहर तक नहीं निकली मैं, सारी चीज़ें कुछ होश ही नहीं है, सारे होश कहीं हैं, सिर्फ उसकी तरफ ध्यान है। और अभी अम्मा आ गई है 2 दिन से, तो थोड़ी सी मैं फ्री हूँ, फिर भी मैं 1 घंटे सो पाती हूँ कि हाँ भैया अम्मा देख लेती हैं, नहीं तो पिछले 4 दिन तो बिल्कुल भी नहीं सोई थी बिल्कुल। देखो आँखों में नीचे क्या हालत हो गई है, यही चल रहा है बस। यहाँ पे अम्मा ना उसके हाथों में थोड़ा सा मसाज कर रही है क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडोला लगे हैं ना, पूरे हाथ नीले नीले हो गए हैं, मतलब देखती हूँ ना तो मुझे इतना रोना आता है। बट कोई ना, मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, मतलब इतनी छोटी, मैं जैसे वॉइस ओवर करूँ तो मुझे रोना आ रहा है क्योंकि इतनी छोटी सी, मैं इतना दर्द सहन किया ना मेरी लाडो ने कि क्या ही बताऊँ। सो फाइनली हाँ पापा आ गए। जुटी की गानी अम्मा लाई, कल रात में मैं सो गई, ओहो आते ही सेवा। दीदी कहाँ है, मेरी गन्ने का जूस कहाँ है? जेठू जी भी जो मुझे दिन भर में फोन नहीं करते थे वो दिन में भेज रहा, मेरी बेटी कैसी है मतलब ये हो जाता है। मुझे भी नींद आ रही है यार। ये आ गया मेरा राजकुमार। हाँ मैं नहा धो के आया है भाई। हाँ एक मिनट हैंड वॉश करके आ जाओ, गेट ढको। सुखना को नहीं यहाँ पे इसकी बड़ी माँ इसको मालिश कर रही है थोड़ा सा कमर में क्योंकि सोते सोते बच्चे बहुत थक जाते हैं, तो कितना आराम से करवा रही है। सारे दीदी लोग सब कोई वीडियो कॉल पे हैं जो बड़े पापा इसको दिखा रहे हैं, ये ना करके सबसे ज़्यादा लाडली है। और हाँ मैं बता दूँ कि आप लोगों के बहुत सारे मैसेज आते हैं कि दीदी प्लीज़ इसका फेस बता दो, तो मुझे थोड़ा सा और टाइम दे दो, मैं ज़रूर बताऊँगी क्योंकि आप सब मेरी फैमिली हो, बस थोड़ा सा और टाइम ज़रूर देना मुझे। यहाँ मैं कब सो गई मुझे खुद को नहीं पता चला उसको सुलाते क्योंकि मेरी ना तो नींद दिन में हो रही है ना रात में हो रही है, और मेरा भी ऑपरेशन से हुआ है तो मेरा कमर पैर लेग हाथ सारे बॉडी इतना ज़्यादा पेन हो रहा है। बट फिर मेरे लिए ना सबसे पहले बस मेरा बच्चा है वो ठीक हो जाए। और ये जो शूट है ना ये मेरी बीच वाली जेठानी ने अपने फ़ोन से लिया था, मुझे खुद को नहीं पता था कब ले लिया, और जब मैंने देखा तो मुझे लगा अच्छा मैं ऐसे सो गई थी। आपको पता है बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं कि दीदी आप है ना ऐसे वीडियो मत बनाओ, आप ऐसे व्लॉग मत करो, ये मत करो वो मत करो, अभी टाइम सिर्फ और सिर्फ आपको अपने बच्चे को देना है। तो मैं आपको बताऊं कि यार 24 घंटे में से सिर्फ आधा घंटा तो हम निकाल सकते हैं, जबकि मैंने निकाला ही नहीं है आधा घंटा भी खुद के लिए, कोई फ़ोन नहीं, कोई व्लॉग नहीं, कुछ नहीं है, सारी चीज़ें हम लोग के सामने हैं। और कैसे क्या दिन जा रहा है वो मुझे पता है, बस ठीक है कभी कभार थोड़ा सा एक आध वीडियो डाल देती हूँ इंस्टा पे हो चाहे यूट्यूब पे हो, कि आप लोगों के प्यार मिले, आप लोगों की ब्लेसिंग से मेरी बेटी बस जल्दी से ठीक हो जाए, इस रीज़न से और कोई रीज़न नहीं है यार। ये मान लो ना नींद हो रही है
ना खाना हो रहा है ना कुछ हो रहा है यहाँ पे मेरे प्रिंसेस का, बस कैंडूला ही कैंडूला चेंज हो रहा है। इतना दर्द होता है ना जब ये नन्ही से जान के कैंडूला चेंज होता है, कसम से हालत बुरी हो जाती है। और अभी मैं आपको दिखाऊँ तो अब ना उसके पैरों में लगा है, हैंड वाला फिर से खोल दिया, ये देखो आपको दिखाती हूँ। हाँ ये देखो, ये देखो मेरी मम्मी से जान के दिख रहा है लाला। रहन दो हाँ, हाँ नहीं 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 छोड़ूंगी, है नहीं छोड़ूंगी। और दोनों हाथों में इतना ज़्यादा इसको पेन है क्योंकि इसके हाथ थोड़ा सा हिलती डुलती है और कैंडल आउट हो जाता है। ये हालत है मेरी, तो यार हालत ही पूछो मत। बट है काफ़ी सुधार पे है और डॉक्टर बोले हैं इसको दिन भर में 15 से 17 इंजेक्शन लगते हैं, कसम से कैंडला में प्राण निकाल देते हैं जब ये रोती है ना। इतना ज़्यादा दर्द होता है मुझे, इतना ज़्यादा तो सब कुछ छोड़ दूँ, सब कुछ खत्म, बस इसके बदले का जो दर्द है ना वो मुझे दे दे, बस सब कुछ सहन हो जाता है। एक माँ को ना अपने बच्चे को दर्द नहीं सहन होता। वो कैंडूला यार मुझे पता है मेरे अभी तक, ये देखो ये स्पॉट है दिख रहा है, ये नाड़ है और ये वाली, ये अभी तक मेरे दर्द हो रहा है। तो उसके कितने दर्द होता होगा यार कैंडूला, है ना। और नन्ही सी जान है यार, बट कोई ना, मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। और आज हमें 10 दिन हो गए हैं हॉस्पिटल में, 10 या 9 दिन हो गए हैं। मेरे को नींद वींद पता ही नहीं है कि मैंने नींद कब ली थी। इतना ज़्यादा हेडेक हो रहा है ना मेरे, इतना ज़्यादा क्योंकि मेरे भी इन्फेक्शन वगैरह थे, उनको दिखा के आई मैं भी। बट मेरे बाकी सारी चीज़ें थोड़ी ठीक थी, प्रेशर अब थोड़ा सा कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी दवाइयाँ बहुत सारी दी गई हैं, तो दवाई लूँगी तब जाके ठीक होगा। और अब उम्मीद है कि 2-3 दिन में इसको छुट्टी दे देंगे, 2-3 दिन में सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरी बेटी घर जाएगी मेरे साथ। 10-12 दिन का इतना लंबा टाइम हॉस्पिटल में, वैसे मानो ना कि पिछले 1 महीने में ना मैं मुश्किल से 6-7 दिन ही घर रही हूँ। ये देखो यहाँ पे पिंपल्स हो गया था। लोग मुझे बोलते हैं, लोग क्या डॉक्टर भी बोलते हैं, मेरी वाली गायना ने भी बोला, मेरी बेटी के भी डॉक्टर ने बोला कि आप रेस्ट करो, आपको रेस्ट की बहुत नीड है। बट मेरे ना मन नहीं मानता है, ये इतना सब ये रोती है ना, ऐसा लगता है मैं इसको यहाँ पे चेप लूँ। और आपको बताऊँ ये कितने भी रोती रहेगी ना, जैसे मैं इसको यहाँ पे लगाती हूँ ना एकदम चुप हो जाती है, तो इससे बड़ी कोई खुशी नहीं होती मुझे। लगता है उस टाइम मुझे उसके पास होना है, जब जब उसको दर्द होगा, दर्द होता है या कुछ भी होता है ना, बस मैं उसके पास रहूँ, वो मेरे सीने से लग जाए, मेरे को सारी चीज़ें बर्दाश्त है। बहुत टाइम ये सोचती हूँ कि यार भगवान इसके बच्चे का जो दर्द है वो मुझे क्यों नहीं दिया। इससे जब मैं ले लेती कैंडूला यार पिछले 1 महीने में, हॉस्पिटल ले रही हूँ। आप लोग देख रहे हो मेरी आँखों में नींद है, क्योंकि मुश्किल से 1 घंटे 1.5 घंटे इतनी नींद होती है मुझे। नींद तो क्या ही होगी क्योंकि हर 2-2 घंटे में इसको इतना सा फॉर्मूला वाला दूध देना पड़ता है, क्योंकि मेरी तो फीड आती ही नहीं है। हाँ लला क्या कैसे रहता है, सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अपडेट करेंगे। बस आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग देना कि मेरी बेटी ठीक होके घर आ जाए। बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं कसम से, बहुत कुछ है बोलने के लिए, बहुत कुछ है बताने के लिए, बट हिम्मत नहीं होती है। अब आपको बताऊँ कल रात को ना इसके पापा ने भी बराबर ड्यूटी लगाई है इस बार, बहुत भागा दौड़े मैं पूरी फैमिली। वो देखो मेरी जेठानी पूरे महीने का व्रत, पूरे साल का व्रत की हुई है, फिर भी मेरे पास रहती हैं। अभी मेरी बड़ी वाली जेठानी जी आई थी, चेर जी दिन में कम से कम 6 से 7 बार आते हैं बड़े वाले। कुछ भी खाना चाहिए ना तो हम बाहर से कुछ नहीं खाते हैं ना, मैं तो कुछ भी खाऊंगी ना, मैं वो घर का ही खाऊंगी। तो कुछ भी रात को 1 बजे भी
सविता को ये खिलाना है, सविता को ये दे, सविता को ध्यान रख, तो इतना इतना ध्यान रखते हैं हमारे बड़े वाले जेठ जी जेठानी जी खुद अपने हाथों से सारी चीज़ें बनाती है। ये नहीं कि भाई किसी को भी बोल दिया कुछ ये बना दे, नहीं वो बोलती है मुझे भरोसा नहीं है। अम्मा आपके सामने हैं, अम्मा आज मतलब कल रात को गई थी अम्मा, और अभी फिर से आ जाएंगी अम्मा। अम्मा रहती है ना तो वो पूरा मैनेज कर लेती हैं। छोटी वाली दीदी भी आपके सामने हैं कि कल आई थी, तो मतलब पूरा का पूरा फैमिली एक साथ खड़ा है ना, और क्या चाहिए। जेठू जी भी पूरी पूरी रात इसके पीछे बैठे रहते हैं। मैंने तो था कि मैं शूट करूं, बट मेरे में ना एनर्जी नहीं थी बिल्कुल भी, जीरो जीरो लेवल एनर्जी नहीं थी मेरी, तो फिर मैं शूट तो नहीं गई। मैंने भी बोल के बताऊँगी पूरी रात जेठू जी ने इसका डायपर भी चेंज किया, इसको दूध के लिए रखा भी, रोई तो थोड़ा सा गोदी में भी लिया, तो अच्छा लगता है ना यार। यही चीज़ होती है कि एक वाइफ माँ नहीं, साथ में एक हस्बैंड भी पापा बनता है, तो दोनों बराबर अगर अपना फ़र्ज निभाएं, अपना रोल प्ले करें ना, तो वो चीज़ें बहुत इजीली हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे हॉस्पिटल से बोला नहीं है कि भाई तू जाकर रेस्ट कर ले, बस मेरी जो अंदर आत्मा वाली माँ है ना, वो सेटिस्फाई नहीं है। मुझे लगता है मुझे इसके पास रहना है, मुझे उससे दूर नहीं होना। ये जब घर जाएगी तब मैं भी घर जाऊँगी। उसके बारे में क्या बताऊँ, इतनी रोई थी ना मैं, इतनी रोई थी, अभी भी रोती हूँ बहुत टाइम। माँ होना रोना तो आ ही जाता है, कितना ही कर लो। ऐसे लगता है इसके बदले का दर्द भगवान ने मुझे क्यों नहीं दिया, बट कोई ना, मेरी बेटी बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, वो सारी चीज़ें मैनेज करेगी। मेरी बेटी है ना, स्ट्रांग तो होगी। चलो कोई ना, ऊपर वाले ने बहुत सोच विचार के 10 साल बाद मुझे अगर बेटी दी है, अरे भोले बाबा इसको उससे भी ज़्यादा स्ट्रांग करेंगे। आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग देना। ये वाला व्लॉग ही एंड कर रही हूँ, बाकी आगे जो भी रहेगा, मतलब आगे पीछे जैसे भी रहता है, बस आप लोगों के साथ शूट तो जो हो रहा है वो शूट कर लेती हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मैंने शूट की ही नहीं, क्योंकि इस बार मेरा माइंड ना मेरी जगह पर नहीं है, तो इसलिए जो भी रह रहा है खूब सारा प्यार देना, खूब सारी ब्लेसिंग देना मेरी प्यारी सी परी को। लव यू।